नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल एजुकेशन निकेतन के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1 जुलाई को जो BPSC 64वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा को लेकर पटना हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उस केस को जस्टिस मधुरेश प्रसाद के बेंच में मेंशन होना था। आज केस जस्टिस मधुरेश प्रसाद के बेंच में मेंशन कर दिया गया है, किंतु आज इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। जस्टिस मधुरेश प्रसाद का कोर्ट नंबर 38 है। आपको यहाँ स्क्रीन पर केस नंबर दिखाई दे रहे होंगे, पेटिशनर के नाम दिखाई दे रहे होंगे, तो आप इससे इसके स्टेटस को, करंट स्टेटस को पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं। उसमें केस टाइप में आप CWJC सेलेक्ट करेंगे, केस नंबर 3-4 केस है तो आप किसी में भी, जैसे मैंने 5801 केस नंबर को अभी चेक किया था और ईयर में 2019 डाल देंगे। और आप देखें तो पूरा डिटेल इस तरह के खुल जाएगा पेज, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि पहले कब कब रहा है, इसमें रिस्पोंडेंट कौन से हैं, पेटिशनर कौन से हैं, किस की अभी करंट सिचुएशन क्या है। पेटिशनर आप देख सकते हैं कि 10 लोग इसमें बनाए गए हैं। इसके बाद चूंकि अब 4 जुलाई को डेट मिला है, तो जो पेटिशनर के वकील हैं उनका कहना है कि वो 4 जुलाई को जज से मांग करेंगे कि वो यथाशीघ्र, चूंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए स्टे की आदेश जारी करें और साथ ही साथ आयोग को एडिशनल रिजल्ट फिर से रिवाइज करके एडिशनल रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया जाए। तो आज तक के लिए यही सूचना है। अब 4 जुलाई को जो भी कोर्ट की न्यूज आएगी वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। जो लोग भी 64वीं मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं वो पूरी तन्मयता से लग जाएं, क्योंकि 65वीं जो प्रीलिम्स की वैकेंसी आ रही है उसमें सीटों की संख्या उम्मीद के मुताबिक नहीं रहने का अनुमान है। माना जा रहा है कि सीटें 500 से भी कम होंगी, इसलिए जिनको ये सुनहरा मौका मिला है या जिनको कोर्ट केस से उम्मीद है कि मिल सकता है, वो भी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद।